चलो कंसीडर द टू स्टेटमेंट्स आर गिवेन. द टू स्टेटमेंट बेसिकली दिस स्टेटमेंट फॉर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. फर्स्ट स्टेटमेंट कहता है कि किरचॉफ जंक्शन लॉ फॉलो द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज. फर्स्ट लॉ जो किरचॉफ फर्स्ट लॉ जंक्शन लॉ वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को फॉलो करता है. एंड द सेकेंड लॉ लूप लॉ वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को फॉलो करता है. ये तो बात हम सबको पता है. फर्स्ट लॉ ये वी ऑलरेडी नो. दिस इज थियोरेटिकल क्वेश्चन. द फर्स्ट लॉ केसीएल किरचॉफ करेंट लॉ जंक्शन लॉ ये कहता है कि समेशन ऑफ करेंट एट ए जंक्शन इज इक्वल टू जीरो. समेशन ऑफ करेंट डी क्यू अपॉन डी टी दैट इज मस्ट बी इक्वल टू जीरो. मतलब डी क्यू क्यू कंजर्व रहेगा, कॉन्स्टेंट रहेगा. तो दिस इज द किरचॉफ फर्स्ट लॉ दे द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज. एंड सेकेंड लॉ इज बेस्ट लूप लॉ. सेकेंड लॉ इज द लूप लॉ एंड लूप लॉ इज बेस्ट अपॉन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. ठीक है, एक लूप होता था, इसमें पोटेंशियल होती थी प्लस माइनस वी वोल्ट की. ठीक है, प्लस माइनस वी वोल्ट की ईएमएफ ई है और रेजिस्टेंस आर है. तो इसके पास जितनी नेट पोटेंशियल होगी, ठीक है, अगर इसमें तुम लगाओगे तो समेशन ऑफ वोल्टेज समेशन ऑफ पोटेंशियल इन ए लूप इक्वल टू जीरो. इस लूप में सभी का सम जीरो होगा. मतलब ऐसे समझ लो कि अगर इस बैटरी के पास 100 जूल की एनर्जी है तो वो 100 जूल ही डोनेट कर सकती है. ठीक है, 100 पोटेंशियल है तो वो पोटेंशियल डिवाइड हो जाएगा. तो ये आप पढ़े हो गए एनर्जी कंजर्वेशन पर बेस है. तो बोथ ये तो डी ऑप्शन सही है. ये गलत है. बोथ ए एंड बी आर करेक्ट. ये भी सही है. तो इस स्टेटमेंट से ये सही हो गया. ठीक है, सिंपल बेसिक है.